मैं मुस्कान मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूपी लाइव 100 न्यूज चैनल पर। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से बने रहिए हमारे साथ यूपी लाइव 100 न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का हुआ आयोजन। जलोन में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस विवाह समारोह में 13 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश सिंह सिंगर बना जी, विधायक गौरी शंकर वर्मा, अधिशासी अधिकारी डीडी सिंह आदि लोग ने वर वधु को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे, जिसमें आदर्श प्रजापति सभा के पदाधिकारी व्यवस्था को संभालते हुए नजर आए। अध्यक्ष कमलेश कुमार प्रजापति, एडवोकेट उपाध्यक्ष जटा शंकर प्रजापति, ज्वेलर्स महामंत्री राम नारायण, अशोक प्रजापति, संतोष प्रजापति, बबलू धनोरा मौजूद रहे। वाइट रमेन सिंह बनाजी, भाजपा जिला अध्यक्ष जलोन। रिपोर्ट जनपद जलोन से यूपी लाइव 100 से ब्यूरो चीफ अनुज कुशवाहा। जो आज सामूहिक विवाह, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है, सर इस ये आयोजन में क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं जोड़ों को? जो अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी नाथ जी का ये प्रयास है कि बेटी को कोई बोझ न समझे, किसी का श्रम व्यर्थ न जाए, कोई परेशानी न हो। जो शादियों में कर्ज लेके शादियाँ करते हैं उनको कोई परेशानी ना हो, ऐसे सामूहिक विवाह में 51,000 रुपये, 35,000 खाते में, 10,000 का सामान और 6,000 का खर्चा वगैरह ये, और सबको सामूहिक भोजन वगैरह की व्यवस्था की जाती है। यही है कि सामूहिकता में ही एकता की सर। आज ये जो आयोजन हुआ है ये जिला जालौन में हुआ है आज या पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ है? ये सब जगह है, जहाँ जितने जोड़े मिलते जा रहे हैं, जैसे आज जालौन नगर पालिका ने 13 जोड़ों का यहाँ करवाया है। ऐसे की कोई कमी नहीं, जहाँ जितने भी मिलेंगे उतने साथ।